साथियों, कोई भी भारतीय जहां कहीं भी संकट में हो, मुश्किल में हो, हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। वो चर्च में जाता है, वो मस्जिद में जाता है, वो गुरुद्वारे में जाता है, वो मंदिर में जाता है, हमारे लिए ये कोई मायना नहीं रखता है। बस वो हिंदुस्तानी है, बस हमारा है और उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। हम भारतीय की सेवा हमारा कर्तव्य है, यही मान के काम करते हैं। बिना पंथ देखे, बिना भेदभाव किए उसकी मुश्किलें कम करना, उसका जीवन आसान बनाना, यही हमारी प्राथमिकता है। आपको मालूम होगा, इराक में हमारी केरल की और साउथ इंडिया के कुछ राज्यों की हमारी कुछ बेटियां इराक में नर्सिंग का काम करती थी। 46 बेटियां आतंकवादियों के ने उनको पकड़ लिया और जीवन और मृत्यु के दिन काट रहे थे। उनको बचाने के लिए कहीं चर्च में प्रार्थना हो रही थी, कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी, कहीं नमाज हो रही थी, सबको लग रहा था कि हमारी बेटियों का क्या होगा। लेकिन भाइयों बहनों, वो आपकी बेटी ये चौकीदार की भी बेटी है। हमने ये नहीं देखा कि किस बेटी के भाल पर कुमकुम तिलक है। हमने कभी ये भी नहीं देखा किस बेटी के गले में रुद्राक्ष की माला है। हमने कभी ये भी नहीं देखा कि वो किस मंदिर में जाती है, चर्च में जाती है, मस्जिद में जाती है। हमारे लिए वो मेरी देश की बेटी हैं। हम उन 46 बेटियों को वापस लेकर के आ गए, उन्हें छुड़ा करके उनके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। भाइयों, हमने दिन रात एक कर दिया था। अफगानिस्तान में फादर एलेक्सिस प्रेम, उसको आतंकवादियों ने पकड़ लिया। महीनों तक आतंकवादियों ने अपने पास रखा। उसी प्रकार से फादर टॉम, उसको इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने पकड़ लिया। यहां पर सभी चर्च लगातार मुझे मिलने आते थे कि फादर प्रेम को बचाइए, फादर टॉम को बचाइए। मैंने कहा ये चौकीदार है। मैं मेरे देश के इन दो साथियों को जिंदा वापिस लाने के लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और आतंकवादियों के चुंगाल से ये दोनों, फादर प्रेम और फादर टॉम, दोनों को बारी बारी से ला करके आज उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया। भाइयों, अफगानिस्तान में चर्च में काम करने वाली पश्चिम बंगाल की हमारी एक बेटी जुडिथ डिसूजा, अफगानिस्तान में आतंकवादी उसको किडनैप करके ले गया। बहुत बड़ा संकट था, पता नहीं बेटी के साथ क्या होता। हम धर्म जाति के आधार पर नहीं सोचते हैं। वो बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, झारखंड से है, बिहार से, ये नहीं सोचते हैं। हमारे लिए तो वो मेरे देश की बेटी हैं और उसको भी दिन रात मेहनत करके उस बिटिया को भी जिंदा लौट करके ले आए और कलकत्ता में उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया। भाइयों बहनों, जब इस फौलादी सरकार की आप वाहवाही करते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस
और उसके महामिलावटी साथियों का आतंक को लेकर के क्या रवैया है। ये लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हमारे वीरों पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं सबूत लाओ सबूत लाओ, तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में आतंकियों पर हमला हुआ। वो हमारे देश के वीर जवानों की नियत पर, उनके पराक्रम पर शक कर रहे हैं। मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या सेना की बात पर आपको भरोसा है? सेना के पराक्रम पर भरोसा है? मेरे देश के जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों को समझ भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन राजनीति में खपे हुए खेलकूद करने वाले कांग्रेस के लोगों के दिमाग में देश की सेना के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। बताओ भाइयों बहनों, इन आदिवासी लोगों से, झारखंड से जो बेटे बेटी फौज में गए हैं, उनकी नियत पर शक किया जा सकता है क्या? उनकी बहादुरी पर शक किया जा सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस आपका, देश के हर उस परिवार का अपमान कर रही है जिसका कोई बेटा या बेटी सेना में है, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, किसी अन्य अर्धसैनिक बल में है, पुलिस में है।